दिया था और नेताजी ने भी इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करने से मना कर दिया। ये भारत में क्रांति का दौर जो था। ।1882 में बंकिम चंद्र के नॉवेल आनंद मठ ने बंगाल में ब्रिटिश के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना दिया। नॉवेल से इंस्पायर होकर स्वामी प्रणवानंद ने 1917 में भारत सेवाश्रम संघ बनाया। वो अनुशीलन के एक सदस्य भी थे जो जुगांतर जैसी सीक्रेट सोसाइटीज के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। स्वामी प्रणवानंद के बोस फैमिली से अच्छे रिश्ते थे। अनुशीलन और जुगांतर जैसी सीक्रेट सोसाइटीज में फ्रीडम फाइटर्स अंडरग्राउंड रहकर देश को आजाद कराने की एक्टिविटीज चलाते थे। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बढ़ने और महात्मा गांधी के आने से मास पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, तो अनुशीलन और जुगांतर का हिस्सा रहे बहुत से लोग मास मूवमेंट का भी हिस्सा बन गए। अनुशीलन और जुगांतर में बड़े नामी लेफ्ट विंग मेंबर्स थे। जतेंद्रनाथ मुखर्जी या बाघा जतेन ब्रिटिश रूल का विरोध करने वाले जाने माने लीडर थे। 1909 और 1915 में उन्होंने जर्मन्स की मदद से ब्रिटिशर्स को निशाना बनाया। मकसद था ब्रिटिश इंडियन आर्मी में विद्रोह पैदा करना, लेकिन वो दोनों कोशिशों में नाकामयाब रहे। पर विद्रोह की भावना लोगों में बस चुकी थी। क्रांतिकारियों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मौजूद विद्रोहियों से और ब्रिटेन के दुश्मनों से मदद की जरूरत थी और नेताजी ने बिल्कुल यही किया। ब्रिटिशर्स ने उन पर नजर रखी थी। कैम्ब्रिज में भी कर्नल ह्यू टॉय के मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 2 ने उन पर कड़ी नजर रखी। कर्नल ह्यू टॉय ब्रिटिश इंटेलिजेंस में थे। वो हमेशा कहा करते थे कि वो MI2 ग्रुप में थे, पर मुझे लगता है कि वो MI5 एजेंट थे। 1943 के बाद से ही टॉय को नेताजी का पीछा करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। वो नेताजी के पीछे पीछे कैम्ब्रिज से साइगांव गए और 1945 के बाद भी ऐसा करते रहे। उन्होंने नेताजी को अरेस्ट करने और INA के पैसे को सील करने के ऑर्डर दिए थे। नेताजी से जुड़ी ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस की फाइल्स आज भी क्लासिफाइड हैं। ।1920 में कैम्ब्रिज में अबानी मुखर्जी ने सुभाष चंद्र बोस को